नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर जांजगीर से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग ने अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार के नाकामियों को जनता के बीच रखा गया। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का राहुल गांधी के खिलाफ अनैतिकता तरीका अपनाकर मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया गया और राहुल गांधी द्वारा अडानी और मोदी के संबंधों का खुलासा करने से मोदी का असली के चेहरा जनता के सामने आने से मोदी को बौखलाने का भी आरोप लगाया गया और अपने गलत नीतियों का खुलासा होने पर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई तेज करने का आरोप लगाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराने लगी है। अनुसूचित जनजाति विभाग, पिछड़े वर्ग विभाग के द्वारा उनके निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति और ओबीसी माइनॉरिटी के निर्देश पर आज हमारे जिला कांग्रेस के तीनों विभागों के द्वारा यह लोकतंत्र बचाओ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहां पर अम्बेडकर जी के मूर्ति के सामने आयोजित किया गया है। इसमें हमारे सभी विभाग के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित हैं। इस देश में आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार, नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना है, धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशन पर जिला जांजगीर चांपा के सभी चौक में SC ST OBC माइनॉरिटी के संयुक्त तत्वाधान में एक दूसरी कार्यक्रम रखा गया था। हमारी मांग है कि देश में आज लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दी जा रही है और विपक्ष की आवाज। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना पर आधारित हल्बे फीचर फिल्म आज बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर के अनुपमा टॉकीज में रिलीज हुई। पहली बार बस्तर की क्षेत्रीय भाषा हल्बी में रिलीज हुए इस फिल्म के माध्यम से बस्तर की आम जनता को सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना से क्या लाभ होता है, इस बारे में बताया गया। वहीं इस हल्बी फिल्म रिलीज करने के अवसर पर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन सहित फिल्म में किरदार निभाने वाले कलाकारों के अलावा बड़ी संख्या में शहर दूर दराज से आए ग्रामीण मौजूद रहे। खबर जगदलपुर से है, जहां के कलेक्टर चंदन कुमार ने शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं में से बेरोजगारी भत्ता योजना, सामाजिक आर्थिक सर्वे कार्य के लिए विभागों को दिए गए दायित्व का भलीभांति निर्वहन करने के निर्देश दिए। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेडा सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए क्लस्टर का निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही करें। जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने योगदान दिया। कन्या विवाह योजना के तहत कुल 120 जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया, जो कि बस्तर में 50 और बवाखंड में 70 जोड़े का विवाह संपन्न किया गया। इस मौके पर विधायक लखेश्वर बघेल ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और सफल जीवन की कामना भी की। जो ग्रामीण युवतियां विवाह करने में असमर्थ थे, उनकी सहायता इस योजना से दी गई। नव दंपतियों को 50,000 की सहायता भी प्रदान की गई। वहीं इस मौके पर नव दंपतियों के परिजन बेहद खुश नजर आए एवं शासन को धन्यवाद करते हुए दिखे। जगदलपुर के कलेक्ट्रेट चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने जिला कार्यालय के आस्था सभाकक्ष में कानून और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बैठक की, जिसमें कलेक्ट्रेट ने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए राजस्व और पुलिस के मैदानी स्तर के कर्मचारी को सूचना तंत्र के तौर पर किया जाना चाहिए और साथ ही सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की समस्या बढ़ाने वालों का चिन्हांकन कर आवश्यक कार्यवाही करें। कलेक्ट्रेट ने कानून व्यवस्था के लिए मैदानी स्तर पर तैनात राजस्व व पुलिस के कर्मचारियों का आपसी समन्वय से कार्य करने की आवश्यकता बताई।
बस्तर में उप पुलिस महानिदेशक एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में गठित टीम द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई, जिसके चलते पुलिस सभी आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रण करने में लगी है। बता दें, इस सिलसिले में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा जब्ती की है, जिसमें दो अलग अलग आरोपियों से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनके अन्य साथी नगरनार NMDSC के पास खड़े हैं। वाली पुलिस को दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, दो डिफरेंट प्रकरण में। थाना कोतवाली टीम को मुखबिर के थ्रू सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति आमागुड़ा चौक NH30 के पास में बस का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके पास जो पिट्ठू बैग है उसमें कुछ गांजा रखे हुए हैं, जिस पर थाना कोतवाली के द्वारा टीम गठित कर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया, जिनका नाम रिजवान और मोहम्मद आकिफ है। दोनों थाना कोतवाली कन्नौज जिला के निवासी हैं। खबर जगदलपुर के सुकमा से है, जहां हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू समाज अपने स्थानों में साज सज्जा कर रहे हैं। विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद हिंदू युवकों पर बर्बरता तरीके से पुलिस द्वारा लाठी भांजी गई। वहीं बजरंग दल प्रांत सुरक्षा प्रमुख कमलेश विश्वकर्मा ने कहा कि हिंदू समाज के साथ लगातार इस प्रकार की घटना घटित हो रही है। सुकमा में दो वर्ष पहले भी हनुमान मंदिर को भी बर्बरता पूर्वक तोड़ा गया था और विगत वर्ष कबीरधाम में भी इसी प्रकार की गतिविधि हुई थी। रामनवमी जन्म उत्सव की हिंदुओं के द्वारा तैयारी चल रही थी और शहर का भगवाकरण हो रहा था। राम मंदिर पर एक पोस्टर रामनगर लिखा होने के कारण विशेष समुदाय के संरक्षण में और मंत्री के संरक्षण में कवासी लखमा द्वारा दबाव बनाने पर जो बजरंगियों पे जो गलत तरीके से लाठी चार्ज हुआ है, इसका बजरंग दल हिंदू विरोध करता है और हमारे जो बजरंगियों को अंदर किए हैं उन्हें बाइज्जत रिहा करें, अन्यथा प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। रामनवमी के पावन अवसर पर जगदलपुर शहर पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया। जगह जगह पर राम भगवान की मूर्ति स्थापना की गई, लोग पूरी तरह से भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। इसी दौरान शहर के धाकड़ क्षत्रिय एवं राजपूत समाज द्वारा समुद्र चौक पर स्थित राम मंदिर में पूरे 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। संभाग अध्यक्ष सिकंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि वह रामनवमी पर्व को 20 वर्षों से बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। जब उन्होंने रामनवमी पर्व मनाने की शुरुआत की थी तब कुछ लोग उनके साथ थे, परंतु आज हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। वहीं महिला प्रकोष्ठ के संभागीय अध्यक्ष सावित्री परमार ने बताया कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस आयोजन में हिस्सा लेती हैं। बस्तर धाकड़ राजपूत क्षत्रिय समाज और जगदलपुर में पूरा संभाग भर में है, हर साल रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। पूरे संभाग भर से सभी जिला से अपने प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं और भारी बड़ी मात्रा में हमारे जो समाज के महिला बाल बच्चे रोज जितने भी हैं, 30 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता है। ये शोभा यात्रा पूरा जगदलपुर को परिक्रमा करते हुए इसी मंदिर पे आके समापन होता है और रात्रि समय में संध्या समय में प्रसाद के रूप में जो भी उनको दिया जाता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारा होता है यहाँ पे रामनवमी का और हम लोग रैली निकालते हैं। सबसे पहले हमारी समाज से ही रैली निकाली जाती थी, पर आजकल सभी समाज वाले हमारे देख देख कर मतलब बहुत भव्य रैली निकालते हैं और 2 साल से तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा से मतलब शहर को सजा रहे हैं, बहुत सुंदर वो कर रहे हैं। पर हमारे समाज शुरू से अच्छा से इसको रामनवमी पर्व को मनाता रहा है और आगे भी प्रयास हमारा रहेगा कि हम अपने समाज को अच्छे से और संगठित करते हुए बहुत भव्य इस पर्व को मनाने का सार्थक प्रयास करना चाहते हैं और चाहेंगे मीडिया प्रभारी लोगों से कि हमारे जो राम मंदिर जो समूह यहाँ पे होता है कार्यक्रम, उसको पेपर व और मीडिया में हमेशा सामने लाने की प्रयास करें। ये हम मीडिया प्रभारी लोगों से मतलब उम्मीद रखते हैं हमेशा। परंपरा अनुसार आज कवर्धा में मध्यरात्रि खप्पर निकलेगी। 7 काल 182 देवी देवताओं और 151 वीर बेतालों की मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि से प्रज्वलित मिट्टी के पात्र में विराजमान होकर 2 देवी मंदिरों से खप्पर निकलेगी। बता दें कि देश में कोलकाता के बाद छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और कवर्धा में ही खप्पर निकालने की परंपरा रही है।
खबर महासमुंद जिले के जनपद पंचायत फिथौरा के ग्राम पंचायत बरे केले से है, जहां सरपंच डोलमती साहू एवं सचिव श्रीमती गुलाब कोसरिया के खिलाफ लाखों रुपए गबन करने का आरोप है। कार्यवाही नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने जनपद पंचायत पिथौरा परिसर में धरना दे रहे थे। वहीं जिला पंचायत सीईओ एस आलोक ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां शहर के महावीर नगर धर्मापुर में दो दिन दहाड़े आपको बता दें नशेड़ी का आतंक देखा गया। नशे की हालत में युवक कॉलोनी में उत्पात मचाते हुए नजर आया। बता दें युवक के हाथ में पत्थर था, जिससे उसने दो लोगों को चोट पहुंचाई और घर के बाहर खड़े कई वाहनों के शीशे भी तोड़े। वहीं आरोपी युवक की ये सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक्चुअली डायल 112 के थ्रू सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शराब के नशे में कुछ लोगों के ऊपर पत्थर से मारा है, जिससे कुछ लोगों की एक दो लोगों की सर में चोटें आई हैं, जिस पर तत्काल डायल 112 की टीम और थाना कोतवाली की पेट्रोलिंग टीम घटनास्थल पर पहुंची और जो आरोपी है उसको पकड़कर थाना लाया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है और वो भी नशे की हालत में थोड़ी देर में उससे विस्तृत ढंग से पूछताछ की जाएगी कि वो किस कारण से ऐसा किया है, या कोई आपसी दुश्मनी थी या आपसी रंजिश की वजह से इसने ऐसे घटना को अंजाम दिया है, और जो विक्टिम्स हैं उनसे जब शिकायत आवेदन मिलेगा तो उचित वैधानिक खबर महासमुंद से है, जहां नेशनल हाईवे 53 पे एक परिवार किसी कार्यक्रम से वापस लौट रहा था, तभी 21 लोगों से भरी पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली की पछरी मोड़ के पास आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि पिकअप वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें दो महिला की मौत हो गई और अन्य 19 लोग घायल हो चुके हैं, जहाँ घायलों का इलाज जारी है। बता दें कि घटना के बाद दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फरार हो गए हैं। तेंदुकोना थाना अंतर्गत गांव है, वहां पर ये चौथिया कार्यक्रम में गए हुए थे। एक पिकअप में 21 लोग सवार थे और वापसी के समय झलक बागबाहरा रोड में पचरी के पास जहां बता रहे हैं नवतोरा, वहां पर ट्रैक्टर और इस पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसमें 21 में से दो लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हैं। पहले तो झलक में सबका इलाज चला है, फिर अपने हिसाब से जो रेफर हुए हैं वो करा रहे हैं। एक महिला की मौत झलक स्वास्थ्य केंद्र में हुई है और दूसरी महिला बागबाहरा में इलाज करा रही है। सूरजपुर के उड़गी ब्लॉक कुदरगढ़ के पास से दो लोगों की जान लेने वाले बाघ का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। बाघ के काबू में आने से न केवल जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली, बल्कि आसपास के लोगों ने राहत भी महसूस किया। खासकर कुदरगढ़ मेले में भी अब दहशत का माहौल खत्म हुआ है, जिससे वहां अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। श्रद्धालुओं का आना जाना सामान्य दिनों की तरह होने लगा है। वहीं बाघ को काबू करने के लिए वन विभाग के साथ समूचा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रिय रहा। देखिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा कल से, खासकर जिस स्पॉट पे वो टाइगर छुपा था वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था, तो उसी कारण आज हम लोग कुमकी हाथी बुलवाए और उसके माध्यम से ही हम लोग वहाँ पहुँच पाए। और एक्सपर्ट टीम पूरी थी हमारे पास, डॉक्टर्स थे, वेटरनरियंस थे और NTCA के जो निर्देश हैं, जो SOPs हैं, उसके आधार पर ही उसको रेस्क्यू किए हैं और अभी फर्स्ट एड यहाँ पर देंगे, उसके बाद फिर बेहतर उपचार के लिए उसको जू में हम लोग शिफ्ट कर। जैसे बताना, हम लोग कुमकी हाथी के लिए ही वेट कर रहे थे, कल पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि क्षेत्र काफ़ी अंदर है, और जैसे ही कुमकी हाथी आया उसके माध्यम से हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंची और उसको अच्छे से एक लोकलाइज करके फिर डॉक्टर्स की 3-4 लोगों की टीम्स थी, एक्सपर्ट्स थे, ट्रैंकुलाइजिंग गन वगैरह सब चला सकते हैं, पूर्व में भी उनको अनुभव है, उन्हीं के माध्यम से उसको बड़ा सफलतापूर्वक हमने ट्रैंकुलाइज किया है और उसको रेस्क्यू किए हैं और अभी उसको फर्स्ट एड अपन दे रहे हैं और उसके सर्वर पे इंजरी है और संभवतः वो और बेहतर ट्रीटमेंट होने के बाद जल्दी से रिकवर हो जाएगा। अभी जिस तरह से बाघ का रेस्क्यू किए हैं, इसके बाद इसके उपचार की ज़रूरत है, लगातार 15 दिन करीब उपचार की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद इसको वापस जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। अभी तो नाजुक स्थिति है क्योंकि वो अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, इसको वो उचित जगह में ले जाकर स्थानांतरित करने के बाद में ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये सर में चोट लगी हुई है, 5 जगह में दिखा गया है और दोनों आंखों के पास में है और गर्दन में, नाक के ऊपर में, तो ये कुलाड़ी से कटा हुआ दिख रहा है, तो इसका उपचार करना जरूरी है। गंभीर है। हाँ।
विश्व रंगमंच दिवस पर बस्तर के ख्यातनाम विभूतियों के नाट द्वारा सम्मानित किया गया। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा कि स्थानीय कलाकारों के लिए चेंबर्स भवन निःशुल्क होगा। इस अवसर पर स्थानीय नाट संस्था द्वारा बस्तर के विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रीय विभूतियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि योगेंद्र पांडे ने अपने अतिथि संबोधन में नाट संस्था की इस पहल की सराहना की और कहा कि बस्तर अंचल की कला संस्कृति कविताओं और नाटकों सहित विविध विधाओं को पोषित करने वाले कलाकारों और विभूतियों को व्यापक तौर पर सम्मान मिलना चाहिए। नाट संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे संस्था की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विगत 2 वर्षों से नाट संस्था द्वारा बस्तर की लोक कला साहित्य गायन सहित बस्तर अन्य विधाओं को उचित मंच प्रदान करने का सतत प्रयास किया जा रहा है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।